बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बड़ी ही मज़े की है, बहुत टेस्टी है और सबकी पसंद। कढ़ी पकौड़े बड़ी टेस्टी है और आज थोड़ा सा इसका अंदाज़ जो है वो डिफरेंट होगा आम रूटीन से हट के। तो सबसे पहले कढ़ी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। ये मैंने आधा किलो दही लिया है, एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का, तकरीबन 1 टीस्पून ये जो है खुश्क धनिया है और 1 टू हाफ स्पून ही ये गरम मसाला है। इसमें तकरीबन आधा किलो दही में मैं 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल करूँगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सबसे पहले दही को मैं इस हैंड ब्लेंडर की मदद से मैश कर लूँगी, इसकी मदद से मैं मैश कर लूँगी। जी तो ये हमारे हो चुका है अच्छी तरह से दही मैश ब्लेंड हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम तकरीबन ये 2 चम्मच सुरख मिर्च डाल लेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। आप इसको ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक ये प्याली है तकरीबन एक पाव के करीब है बेसन, ये शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये कोशिश करेंगे कि इसमें कोई गुठली ना रहे, क्योंकि अगर गुठली रही ना तो फिर कढ़ी ऐसे मज़े की नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देते हैं हल्दी। ये देखें इसका ना अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है, कोई गुठली नहीं है इसमें, ये देखें। अब ये जो धनिया और गरम मसाला और ये कच्चा आलू है इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मसाले हमने सारे डाल देंगे जग में, हम इनको हम अब ब्लेंड कर लेते हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर और आलू, इनको हम अच्छी तरह से अब मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हो चुका है मसाले का, तो ये डाल देते हैं इसमें दही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तो कढ़ी मैंने रख दी है ऊपर आग पर पकने के लिए, फ्लेम मैंने कुछ तेज़ पहले कर दी है। और इसमें चम्मच हम बराबर हिलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तो अब कढ़ी में उबाल आने वाला है। अब मैं इसमें ये तकरीबन इतना नमक है, 1/2 टीस्पून नहीं है, कुछ कम ही है, ये डाल रही हूँ।
इसमें ना बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और गुठलियाँ फिर अच्छी नहीं लगेंगी, कच्ची रह जाएंगी। तो इसमें बराबर ऐसे चम्मच हम हिलाते रहेंगे उस वक़्त तक जब तक ये मुकम्मल पक नहीं जाती। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसमें चम्मच मतवातर हिलाते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो कढ़ी हमारी अब पक चुकी है, देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट ये पकी है, 20 मिनट ही होगी, मैक्सिमम 20। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। फ्लेम इसकी कर देते हैं अब बंद और हम तड़का तैयार कर लेते हैं इसका। जी तो अब ये तड़का तैयार हो रहा है कढ़ी के लिए। इसमें डाल देती हूँ मैं ये थोड़ी सी लाल मिर्चें साबुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये तड़का हमारा हो चुका है तैयार। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम साथ बनाएंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारा है पकोड़ों का सामान। ये आलू कटिंग किए हुए हैं, प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया और एक दो पत्ते पालक के। तो ये मैंने बेसन डाल दिया। अब इसमें सारे मेवे को बना लेती हूँ, पकौड़ों को यह सारा सामान। जी तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है पकौड़ों का, ये देखें। स्पाइस जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें यूज़ करें। घी हमारा गर्म हो रहा है, कड़कड़ा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है पकौड़ों का। तो अब हम घी गर्म हो चुका है, देख लेते हैं कितना गर्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी घी हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट गर्म हुआ है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ी के लिए जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े से मोटे ही रखने पड़ते हैं। फ्लेम हम थोड़ा तेज कर देते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े हो चुके हैं हमारे तैयार, हम इनको अब निकाल लेते हैं। कुछ लोग जो है ना ज़्यादातर पकौड़े कढ़ी में डायरेक्ट डालते जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ये नहीं पसंद किया जाता, बल्कि कढ़ी के साथ पकौड़े रख के खाने की आदत है। अपनी मर्ज़ी से वो पकौड़े कढ़ी में डाल देते हैं, तो मैं कढ़ी में नहीं डालूंगी, अलग से रखूंगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है पकौड़ों की। बड़ी मज़े की वैसे कढ़ी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो कढ़ी पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पकौड़े रख लेते हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारे ये कढ़ी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी लुक है, बड़ी टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई ख़ास मुश्किल तो है नहीं इसमें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। आइंदा वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सब का निगेबान, अल्लाह आप सब को खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।